हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका झटपट सीरीज़ में। और इस वीडियो में हम लोग ऑपरेशन सनराइज़ को देखेंगे, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू को देखेंगे। तो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑपरेशन सनराइज़ विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली। पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ एम्ड एट डेवलपिंग सनराइज़ इंडस्ट्रीज़। दूसरा स्टेटमेंट है, इंडिया एंड भूटान आर पार्टनरिंग टू कैरी आउट दिस ऑपरेशन। तो यह दो स्टेटमेंट के बेसिस पर हमें करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अभी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर नहीं तो आप इस वीडियो को देखते रहें। तो सबसे पहले हमें जानने की यह ज़रूरत है कि ऑपरेशन सनराइज़ आखिर है क्या और ये किस चीज़ से रिलेटेड है, क्योंकि नाम से हमें कुछ ज़्यादा आइडिया लग नहीं पा रहा है। और अगर हमने इसको नाम के बेसिस पर गेस किया तो ऑपरेशन सनराइज़ जो है या सनराइज़ वाला पार्ट है, इसको हम सनराइज़ इंडस्ट्री के साथ लिंक कर सकते हैं, जो कि गलत होगा। तो आइए देखते हैं ये है क्या। तो ऑपरेशन सनराइज़ बेसिकली एक ऑपरेशन है जो इंडिया और म्यांमार खुद कैरी आउट कर रहे हैं, या जो इंडिया इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर है, नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर, वहाँ पर काफ़ी इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, तो उनको कंटेन करने के लिए यह ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है। आगे यहाँ डिटेल यह दिया हुआ है कि इसका एम दिया है कि इट इज़ एम्ड एट हिटिंग मिलिटेंट ग्रुप्स दैट आर इम्पैक्टिंग बोथ इंडिया एंड म्यांमार, जो मैंने अभी बता दिया। यह कौन कैरी आउट कर रहा है इसको? तो इसको आर्मीज़ ऑफ इंडिया और म्यांमार कैरी आउट कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर जो थर्ड स्टेटमेंट है, यहाँ पर थर्ड पैराग्राफ जो है, यहाँ पर डिटेल दिया है कि कौन से मिलिटेंट ग्रुप्स एक्टिव हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। तो इसके नाम भी हमें याद रखने की थोड़ी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया यूपीएससी में और हमें एलिमिनेशन करने की ज़रूरत पड़ी तो हम लोग उस टाइम पर फंस सकते हैं। तो यहाँ पर नाम देख लीजिए एक बार कि जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जैसे नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड कापलांग, फिर उसके अलावा है कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन KLO, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, और जो आखिरी है वो है नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। तो ये सारे मिलिटेंट ग्रुप जो हैं वो उस पर्टिकुलर एरिया में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, और इन्हीं को कंटेन करने के लिए ऑपरेशन सनराइज़ चलाया जा रहा है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि अचानक से इसे शुरू किया जाए, तो कुछ एक पर्टिकुलर रीज़न होगा या कोई बैकग्राउंड होगा जिस कारण से इस ऑपरेशन को शुरू किया गया। तो यहाँ पर बैकग्राउंड मेंशन किया है कि फर्स्ट फेज़ ऑफ ऑपरेशन इसलिए स्टार्ट किया गया था क्योंकि जो कालादान प्रोजेक्ट है जो इंडिया और म्यांमार के बीच में है, इसको एक थ्रेट पोज कर रहे थे वहाँ के मिलिटेंट ग्रुप्स। तो इस रीज़न से ऑपरेशन सनराइज़ शुरू करने की ज़रूरत पड़ी। अब चूंकि यहाँ पर कालादान प्रोजेक्ट का नाम मेंशन हुआ है, तो हमें कालादान प्रोजेक्ट के बारे में भी जानने की ज़रूरत है, आखिर ये है क्या। तो कालादान प्रोजेक्ट बेसिकली एक प्रोजेक्ट है जो कि म्यांमार के सितवे पोर्ट को और इंडिया म्यांमार बॉर्डर को कनेक्ट करने का काम करता है। यह एक रूट की तरह आप समझिए, या यहाँ पर जैसे यहाँ मेंशन किया है कि यह एक मल्टी मोडल प्लेटफॉर्म है कार्गो शिपमेंट्स के लिए, जिससे होगा क्या कि ईस्टर्न पोर्ट ऑफ म्यांमार जो है वह नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री को कनेक्ट करने का काम करेगा। और यहाँ पर इंडिया की भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा इंडिया को, इसलिए क्योंकि यह नॉर्थ ईस्टर्न जो लैंड लॉक्ड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको भी कनेक्ट करने का काम करेगा। अब इस स्लाइड में वही चीज़ बताया है जो अभी मैं कह रहा था कि यह बेसिकली एक सी रूट को ओपन करेगा जिससे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, वहाँ प्रमोशन मिलेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, और उसके साथ साथ यह इंडिया और म्यांमार के बीच में जो इकोनॉमिक कॉमर्शियल और स्ट्रेटेजिक टाइज है उसको भी बढ़ाने का काम करेगा। अब यहाँ पर आगे डिटेल यह दिया है कि यह प्रोजेक्ट जो है कोलकाता और सिटवे पोर्ट, कोलकाता इंडिया का पोर्ट हो गया और सितवे जो है वह म्यांमार का पोर्ट हो गया, इनके बीच में डिस्टेंस को भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस करेगा और अप्रॉक्सीमेटली यह 1328 किलोमीटर के डिस्टेंस को कम करने का काम करेगा। साथ के साथ यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स होगा उसको पहुँचाने में भी यह बहुत मदद करेगा, क्योंकि अभी जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वह सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होता है, जिसे हम चिकन स्नैक भी कहते हैं, और यहाँ से भेजने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ भी होती है और ये थोड़ा रिस्की एरिया है क्योंकि चाइनीज़ का एग्रेशन इस एरिया में थोड़ा बहुत बना रहता है। तो इस रीज़न से अगर हम सी रूट की थ्रू भेजते हैं गुड्स को तो ये हमारे लिए थोड़ा सेफ़ भी होगा और हमारी ज़रूरत भी कम पड़ जाएगी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को यूज़ करने की। तो अब हमें यहाँ ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भी देखने की ज़रूरत है, और साथ के साथ जो सिटवे पोर्ट यहाँ मेंशन किया है उसको भी देखने की ज़रूरत है मैप पर। तो आइए चलिए मैप पर देखते हैं इसे। मैप पर देखने के पहले हम सितवे के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर सितवे कहाँ लोकेटेड है। तो यह सितवे जो है यह कैपिटल है रखीन स्टेट का। रखीन स्टेट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है 2018 में, और यह इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि वहाँ पर रोहिंग्या मुस्लिम्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हुआ था, और यह जो रखीन स्टेट है यह साउथ वेस्टर्न म्यांमार में आता है।
साथ के साथ यहाँ पर और भी आगे डिटेल ये दिया है कि इट इज़ लोकेटेड एट द माउथ ऑफ कालादन रिवर विच फ्लोज इन टू मिजोरम इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो यहाँ पर हमें कनेक्शन मिल गया कि कालादन रिवर का कनेक्शन हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कैसे है। तो सबसे पहले हम लोकेशन देखेंगे कि सितवे पोर्ट का लोकेशन क्या है। तो यह रहा सितवे पोर्ट का लोकेशन, और रूट जो है यहाँ से यहाँ कोलकाता का एरिया आएगा, कोलकाता से यहाँ से होते हुए यह सितवे पोर्ट के पास आएगा, फिर यहाँ कालादन रिवर हमें दिख रहा है, कालादन रिवर का लोकेशन, यहाँ से जो जो भी गुड्स होंगे वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होते होते फिर ये वाला पार्ट जो आ गया, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गया हमारे इंडिया का। तो यहाँ पर फिर यहाँ से ईजिली ट्रांसपोर्टेशन पहुँचाया जा सकता है NH के थ्रू मिज़ोरम में। और ये बे ऑफ बंगाल का एरिया है, तो ये भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पर हम लोग इजीली देख सकते हैं कि कैसे हम लोग जो बांग्लादेश वाला रूट है उसको कैसे हम लोग इजीली स्किप कर दे रहे हैं और एक नया रूट बन रहा है। अब हमने सितवे पोर्ट का लोकेशन देख लिया जो इस वाले एरिया में पड़ता है। आगे हम देखते हैं कि आखिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर कौन सा एरिया है। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर ये वाला जो एरिया है जो वेस्ट बंगाल का पार्ट है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, तो यह इसी एरिया को जो चिकन स्नैक भी बोला जाता है या सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोला जाता है। और अभी गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यही वाला एरिया यूज़ किया जाता है। यहाँ से हम असम से होते हुए फिर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जितने भी स्टेट्स पड़ते हैं उसको हम ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे हमें आसाम होते हुए फिर यहाँ पर आसाम क्रॉस करने के बाद तब फिर हमें मिज़ोरम पहुँचना पड़ेगा। और अगर हमें बांग्लादेश के थ्रू डायरेक्ट रूट मिल जाता तो यह हमारे लिए बहुत ही इजी पड़ता, पर हम यहाँ पर बांग्लादेश पे उतना ज़्यादा भी ट्रस्ट कर नहीं सकते क्योंकि एक अलग कंट्री है। तो इस कारण से हमें एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन का एक अलग रूट मिला है जो यह कालादान प्रोजेक्ट के थ्रू मिल रहा है। तो इस स्लाइड में सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पोर्ट दिया है इंडिया के लिए, और यह जब मैं मैप का डिस्कशन कर रहा था तभी मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। तो आइए फिर से एक बार देख लेते हैं कि जो इंडिया है वो काफ़ी कोशिश कर रहा था बांग्लादेश के थ्रू भेजने का गुड्स को, ताकि वो अपने लैंडलॉक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सारे गुड्स को पहुंचा सके, पर यह संभव नहीं हो पा रहा। और जो प्रेजेंटली जो रूट फॉलो करते हैं वो चिकन स्नैक के थ्रू जो वेस्ट बंगाल में है, और यह जो है सैंडविच है बिटवीन भूटान एंड बांग्लादेश। तो इस कारण से जो यह नया रूट है जो सिटवे को पहुँचाएगा, यह काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट को भी लोअर कर देगा और साथ के साथ हम लोग देख चुके हैं कि डिस्टेंस को भी लोअर करेगा, करीब 1328 किलोमीटर्स का की डिस्टेंस को कम करेगा। तो इससे हमारा मूवमेंट जो है कोलकाता टू मिज़ोरम बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा, और मिज़ोरम से फिर हम लोग आगे भी जैसे अरुणाचल हुआ और वो सारे जगह नागालैंड हुआ वो सारे एरियाज़ को भी कवर कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमने सारी डिटेल्स देख ली है, हमने मैप पे लोकेशंस वगैरह भी देख लिया है, हमने ऑपरेशन सनराइज किससे रिलेटेड ये सारी भी चीज़ें देख ली हैं। अब आते हैं झटपट टिप पर कि हम आखिर इस टॉपिक को कैसे याद रख सकते हैं, और ये एक ही स्लाइड में हम कोशिश कर सकते हैं याद रखने का। सबसे पहली चीज़ है कि इसके नाम से कन्फ्यूज़ नहीं होना, ऑपरेशन सनराइज़ क्या है हमेशा याद रखने की ज़रूरत है कि ऑपरेशन सनराइज़ मिलिटेंट ग्रुप्स को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। कौन सी दो कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं इसमें, तो इंडिया और म्यांमार इन्वॉल्व हैं। अब सेकंड स्टेटमेंट या सेकंड पॉइंट जो आता है, यह स्टार्ट क्यों किया गया, तो बेसिकली यह स्टार्ट इसलिए किया गया क्योंकि एक सिक्योरिटी थ्रेट बन रहा था कालादान प्रोजेक्ट के ऊपर। अब कालादान प्रोजेक्ट के बारे में भी जानने की ज़रूरत है, तो कालादान प्रोजेक्ट क्या है, तो यह एक ऐसा मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, एक प्लेटफॉर्म है जो कि सितवे पोर्ट को इंडो म्यांमार बॉर्डर से कनेक्ट करता है। और इसका काम क्या है, तो काम यह है कि कार्गो शिपमेंट को यह प्रमोट करता है ताकि गुड्स जा सकें। अब यहाँ पर आगे फिर डिटेल्स और भी दिया है कि इंडिया के लिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो इंडिया के लिए यही सिग्निफिकेंस है कि जो लैंड लॉक्ड हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उससे कनेक्टिविटी इजी हो जाएगी और उनका फिर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट होगा। और साथ के साथ हम लोग जो चिकन स्नैक वाला एरिया है जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको भी हम लोग अवॉइड कर पाएंगे। तो अब हम आते हैं MCQ पे जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था आपको। तो जो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है वो गलत है क्योंकि यहाँ सनराइज़ इंडस्ट्री से कोई रिलेशन नहीं है, यह मिलिटेंट ग्रुप्स को रोकने के लिए स्टार्ट किया गया था। और जो दूसरा स्टेटमेंट है यह भी गलत है क्योंकि यह जो ऑपरेशन है यह इंडिया और म्यांमार के बीच में है, भूटान का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। तो इस कारण से इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो नीदर वन नॉर टू हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने इस टॉपिक को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है, हमने मैप पे लोकेशंस वगैरह भी देख लिया है। तो मेरे ख्याल से आपके सारे जो डाउट्स हैं वो ख़त्म हो गए होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, और आपने इस वीडियो को ज़रूर पूरी तरह देखा होगा। तो आगे भी वीडियोस को देखते रहें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।